नमस्कार, प्रस्तुत है सी एम एम एस एस अर्थात मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2023 के मेंटल एबिलिटी के रीजनिंग का पार्ट वन वीडियो। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के मेंटल एबिलिटी टेस्ट में रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों में से मैं पहले 10 प्रश्नों को इस पार्ट वन वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, या कहेंगे 1 से लेकर 5 जो प्रश्न है उसमें जिस तरह पहली जोड़ी पूर्ण होती है उसी तरह उस शब्द को चुनिए जिससे कि दूसरी जोड़ी पूर्ण हो जाए। और इसका जो पहला प्रश्न है, चंद्रमा उपग्रह। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो अभी हम दूसरा रिलेशन पता करना होगा। पृथ्वी जब चंद्रमा उपग्रह है तो ऐसा ही रिलेशन क्या होगा, पृथ्वी क्या है, ग्रह है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 2, रुपया भारत, अर्थात इसको हम इस तरह से व्याख्या कर सकते हैं, रुपया भारत की मुद्रा है। तो येन कहां की मुद्रा है, यह है जापान। प्रश्न संख्या 3, मोची चमड़ा, यानी मोची चमड़ा का प्रयोग करके कुछ बनाता है, तो बढ़ाई किसका उपयोग करेगा, लकड़ी का, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, घड़ी समय, यानी घड़ी समय बताता है, तो थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान, ऑप्शन नंबर 4 सही है। पांचवा नंबर देखिए, घोड़ा दौड़ना, यानी घोड़ा दौड़ता है, तो घड़ियाल क्या करता है, रिंगता है, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न संख्या श्रेणी में ठीक कौन ठीक बाद में आएगी, यह संख्याओं का एक सीरीज दिया हुआ है, अब इस सीरीज में अगला क्या होगा यह हमें बताना है, तो अगला क्या होगा यह जानने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह जो सीरीज चल रहा है यह कौन से नियम का पालन कर रहा है, अर्थात किस नियम से यह सीरीज बना हुआ है। जब उस नियम को हम जान जाएंगे तो हम आसानी से अगला संख्या को बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस नियम को देखते हैं, यहां है 2 3, तो यानी 2 और 3 के बीच का अंतर क्या है, 1 है, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 है, 5 और 8 के बीच का अंतर 3 है, 8 और 12 के बीच का अंतर क्या है, 4, और 12 से 15 के बीच के अंतर क्या है, 5, तो निश्चित रूप से 17 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, तो 17 में 6 जोड़ते हैं तो आता है 23, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 में है 23। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्न श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगी, तो यहां भी वही हमें करना है कि जो संख्याएं दी हुई है उसका नियम, जिस नियम से वो श्रेणी बना है वो हमें पता करना होगा, तो यहां भी हम अंतर ही देखते हैं, 5 और 11 के बीच का अंतर क्या है, ये है 6, 11 से 23 के बीच का अंतर है 12, 23 और 47 के बीच का अंतर है 24, और 47 और 95 के बीच का अंतर है 48, तो ये जो अंतर है इसकी विशेषता हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि कौन सा ये नियम पालन कर रहा है। तो देखिए 6 है, 6 दुना 12, 12 दुना 24, 24 दुना 48, तो 48 दुना क्या होता है, 96, यानी 95 में हम 96 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमको मिल जाएगी। तो आइए जोड़ते हैं, 6 और 5 11 का 1, हाथ में रहा 1, 9 और 9 18 और 1 19, यानी 191, तो 191 कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। प्रश्न संख्या 8 देखिए यहां अंग्रेजी के कुछ लेटर्स हैं, 3 3 लेटर्स का
मिलाकर ये सीरीज बनाया गया है। तो अगला सीरीज, अगला कौन सा हमारा ये लेटर का समूह होगा वो बताना है। तो ये जो समूह बनाया गया है वो किस नियम से आगे बढ़ रहा है वो हमें देखना है। तो यहां देख रहे हैं इसका पहला लेटर देखिए, यहां तीन जो लेटर है उसमें पहला देखिए एल, इन तीनों में पहला एम, इन तीनों में पहला एन। तो ये किस नियम से ये बढ़ रहा है, पहला लेटर एल के बाद आता है एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या आएगा ओ। तो अब सिर्फ एक ही नियम से हमें पकड़ में आ जा रहा है। देखिए सिर्फ चौथा नंबर में पहला ओ है और किसी में नहीं है, तो आंसर यही होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं। अब तीसरा वाला देखते हैं, डी जी जे, यानी यहां दो दो अक्षर छोड़कर यहां आ रहा है, डी के बाद ई एफ छोड़ दिया गया, ई एफ छोड़ दिया गया, तो ये आ गया जी, और यहां जी के बाद एच आई दो छोड़ के जे आ गया, तो जे के बाद फिर हम दो छोड़ देंगे, जे के बाद के और एल छोड़ देंगे, तो यहां आ जाएगा तीसरा वाला एम। तो हमने पहला पता कर लिया और ये तीसरा पता कर लिया, तो ये दोनों से हम वेरीफाई हो गया, ये चौथा नंबर ही हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 में देखिए, निम्न श्रेणी में कौन ठीक बाद में आएगा। तो यहां अंग्रेजी के अक्षरों के साथ साथ बीच में संख्या भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं कि ये कौन सा नियम का पालन कर रहा है, एक दो छ 24, तो इसमें क्या कुछ विशेषता नजर आ रहा है। तो यहां एक को हम दो से गुना करते हैं तो दो आता है, दो को फिर तीन से गुना करते हैं तो छह आता है, छह को फिर हम चार से गुना करते हैं तो 24 आता है। तो इस बार हम कितना से गुना करेंगे, पांच से करेंगे, तो 24 को जब पांच से करते हैं तो आता है 120। तो बीच में जो होगा तीन के समूह में वो 120 होगा। तो यहां 120 है, पहले वाले में बीच में है, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में है। तो अब एक और देखते हैं, कोई लास्ट वाला देखते हैं, हमें दोनों देखना होगा, पहला वाला भी और लास्ट वाला भी। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, पी आर टी वी, अर्थात देखिए क्या क्या यहां विशेषता नजर आ रहा है, P के बाद यहां Q छोड़ दिया गया और R आ गया, R के बाद S छोड़ दिया गया, T आ गया, T के बाद U छोड़ दिया गया, V हो गया। तो V के बाद क्या छोड़ेंगे, W छोड़ देंगे, U V W छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा X। पहला हमें मिल गया X और दूसरा मिल गया 120। तो देखिए ये पहला नंबर में भी x 120 है और चौथा नंबर भी x 120 है, अर्थात हमको तीसरा जो है वो भी पता करना पड़ेगा। तो यहां देखिए f, f से पहले d, सॉरी f से पहले e, e से पहले d, d से पहले c, तो c से पहले क्या होगा b होगा। तो ये कौन सा है, पहला नंबर, तो हमारा आंसर हो गया पहला नंबर। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, ये बड़ा आसान दिख रहा है, 1, 8, 27, 64 और ये क्वेश्चन मार्क और ये 216। तो आपने घन पढ़ा होगा, तो ये क्या है, एक एक का घन है, 8 दो का घन है, 27 तीन का घन है, ये 4 का घन है, ये 6 का घन है। तो देखिए एक का घन, दो का घन, तीन का घन, चार का घन, तो क्वेश्चन मार्क में कौन सा घन होना चाहिए, पांच का घन होना चाहिए, पांच का घन यानी 5 क्यूब। तो 5 क्यूब क्या होता है, 5 गुना 5 गुना 5। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आएगा 125। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो पहले 10 प्रश्नों का जो हमने हल प्रस्तुत किया, उसका जो व्याख्या दिया, आशा है वो आपको पसंद आया होगा। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब
इसका पार्ट टू वीडियो बने, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।